जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का लोदीपुर में देखते हैं आज कितने लोग इंटेलिजेंट हैं। वैसे तो मुझे पता है सभी हैं, लेकिन आज जिनको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ यहाँ पे आके बताएंगे। अच्छा, इतना शर्माने से काम चलेगा? 2024 चल रहा है, अभी लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, आप लोग इतना शर्मा रहे हैं? वहां से मुझे नहीं सुनाई दे रहा, यहाँ आके आप बताइए, वरना मैं समझ जाऊंगी किसी को कुछ नहीं पता। नहीं पता, यहाँ आके बताइए, यहाँ आके जिनको पता है यहाँ आके सामने बताएंगे। आप लोग में भी बता सकते हैं। रावण, क्या सही बोल रहे हैं? सबसे बड़ा विद्वान रावण है। कितनों को लगता है कि ये सही है, जरा हाथ उठा के बताइए। बस दो लोगों को लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी लोगों को लगता है कि मैं ही विद्वान हूँ। क्या नाम है हमारे भाई का? गोलू। गोलू जी के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है। और बाकी जितने लोगों को मुझे पता चल गया कि बाकी लोगों को भक्ति से कोई लेना देना नहीं। विद्वान हुए विद्वान कहा रावण जैसा कोई, रावण जैसा कोई विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। Oh,
कौन सा दान है? धन दौलत सब कुछ दान में दे देते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या माना जाता है? अच्छा, लोधीपुर वाले इतना शर्माते हैं मुझे आज पता चला। सामने आके बताइए भैया, कल पेपर में फोटो नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए, पेपर में फोटो नहीं आने वाली, अगर आता है तो सामने आके बताइए। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता सबसे बड़ा दान कौन सा है, किसी को नहीं पता। अच्छा, आप तो भैया छुपे हुए हैं, थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए लोगों को, यहाँ पे किसी को नहीं पता। मैं तो यही मानूंगी किसी को नहीं पता, अगर नहीं बताया तो नहीं पता, जाहिर सी बात है। अच्छा, आ रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? देवा जी, मंच पे बैठे, मंच के पीछे से बेचारे रहा नहीं गया तो पीछे से बता रहे हैं, सबसे बड़ा दान कन्यादान को माना गया है। चाहे कितना भी दान कर लीजिए, लेकिन कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। दानी भी हुए लाखों, दान भी देते पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा? जब कुछ नहीं होगे भगवान कहाँ होगा? सबसे बड़ा मेहमान किसको माना गया है? अच्छा, ये पहली बार हुआ है, मैंने आज तक जितने जीवन में अभी तक कार्यक्रम किए हैं, इतना शांत माहौल वाला गांव पहली बार देख रही हूँ, कोई फर्क नहीं। एक बार जोरदार ताली अपने गांव के लिए बजाइए, ये यूनिक गांव है। किसी को कुछ नहीं पता, इतने शांत, इतने भोले कैसे हो सकते हैं भाई? अक्सर मैं कार्यक्रम में जाती हूँ तो एक की बजाय 10 लोग आके बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कोई नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों बताऊं, दिमाग में कौन जोर डाले, इतनी मेहनत कौन करे। मेहमान भी आते हैं, सबसे बड़ा मेहमान भक्त सुदामा, जो भगवान कृष्ण के यहाँ गए। अरे यार सुदामा सा, वो यार सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा? जब होंगे भगवान कहाँ होगा? और एक आखिरी है, इसमें तो वैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं आप लोगों से पूछूंगी। भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिशाली किसे माना गया है? हनुमान जी को। जोरदार तालियां बजाइए, हिम्मत करके बहुत भाई ने बताई। पर हनुमान जैसा, पर
हनुमान जैसा बलवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का बजरंग बली की, नमः पार्वती पते हरा हरा।